नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, मित्रों, दिनांक 14 सितंबर 2023 से आपके जीवन में एक बड़ा हादसा होने वाला है। मित्रों, सुनकर आपको भी गहरा सदमा लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने वाले हैं, मित्रों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसी बातें आपको कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि आप हमारे अपने लोग हैं। हम आपको सचेत करने आए हैं मित्रों, हम आपको सतर्क करने आए हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम नजर डालें मित्रों पंचांग पर, तो आप सभी को बता देते हैं कि 14 सितंबर को गुरुवार का वार है, साथ में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है मित्रों, और वहीं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जो कि बड़ा ही शुभ नक्षत्र है मित्रों, और संध्या नामक योग भी बन रहा है। इस योग के दौरान अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो वह कार्य सिद्ध होगा, और अगर सूर्य की स्थिति देखें मित्रों, तो सूर्य तो सिंह राशि में ही विराजमान रहेगा, लेकिन दूसरी ओर चंद्रमा जो है मित्रों, वह भी सिंह राशि पर ही संचार करेगा। तो जब सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति एक ही राशि में रहेगी, तो ऐसे में आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे, कौन से अशुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी, क्या सावधानियां आपको बरतना पड़ेगी, और किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, समस्त बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर हम आपको बताएंगे। तो आइए, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल निशुल्क है मित्रों, और कमेंट बॉक्स में जो भी जातक 3 बार सच्ची श्रद्धा से और सच्चे दिल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखेगा अगले 24 घंटों में उसके परिवार में एक बड़ी खुशखबरी आएगी मित्रों। तो चलिए, आपका वक्त बहुत कीमती है, और आपके इसी कीमती वक्त को गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं मित्रों। हमारे गुरुजी एक अनमोल वाणी हमेशा अपने भक्तों को देते हैं, तो आपके लिए भी मित्रों हमारे गुरुजी ने एक अनमोल वाणी दी है। पहले उस वाणी को ध्यान से सुन लीजिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले ही अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा कि वह आपके अच्छे के लिए हुआ था। क्योंकि मित्रों गुरुजी भी कहते हैं कि अगर मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें परमात्मा की मर्जी होती है, और परमात्मा बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें कब क्या देना है और हमसे कब क्या लेना है। आइए मित्रों, इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की तरफ। तो मित्रों, अपनी जिंदगी पर थोड़ा सा आपको भरोसा रखना है, और जो जातक इस वक्त किसी भयंकर रोग से जूझ रहे हैं मित्रों, उन्हें हिम्मत रखनी है, इससे भी परिस्थिति में हारना नहीं है। परिवार का साथ, मित्रों का सहयोग आपको मिलता रहेगा, और बता देते हैं कि जब मुसीबत आती है ना मित्रों, तो बोलकर नहीं आती है, और उस मुसीबत के समय में हम अपनों को ही ढूंढते हैं, और मित्रों इस वक्त आपके अपने भी आपके करीब रहेंगे, इस वजह से आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा दुखों से घिरे हुए। हम जानते हैं मित्रों आपके जीवन में कितना दुख है मित्रों, अगर आप अपने दुख अपनी परेशानियों से हमेशा के लिए निजात पाना चाहते हैं,
तो गुरु जी द्वारा अभिमंत्रित की गई अष्ट धातु की सिद्ध अंगूठी अपने हाथ में धारण करें। मित्रों, यह अंगूठी अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इस अंगूठी को धारण करने मात्र से अगर आप किसी रोग से जूझ रहे हैं, कर्ज से परेशान हैं, ऐसा नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, वैवाहिक जीवन में मित्रों दिन पर दिन परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, तो एक बार इस अंगूठी को आप जरूर धारण कीजिए। मित्रों, इसको धारण करने से बहुत से लोगों का कल्याण हुआ है। मित्रों, आप इस अंगूठी को बहुत ही सरल तरीके से मंगवा सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताकर। आइए हम आप सभी को बता देते हैं कि जिन जातकों के नौकरी में कुछ साथी दिक्कत दे रहे थे, मित्रों आपको बता देते हैं कि नौकरी में पदोन्नति के योग भी बनेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और फिर आपके इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। जो जातक बैंक सेक्टर में जॉब करते हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस वक्त आपके ऊपर मित्रों कोई गंभीर आरोप लग सकता है। मित्रों, आप बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं, आपने आज तक किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। अब मित्रों, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है हम बाहर से तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर हम थोड़ा सा सावधान हो जाएं तो अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो भरोसे वाले होते हैं मित्रों वही हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। वही इस वक्त आप सभी को एक बात और बता देते हैं कि अगर आप किसी के साथ रिश्ता रखने की सोच रहे हैं तो रिश्ते को निभाने की भी आप में क्षमता होनी चाहिए। किसी के भी साथ टाइम पास करने के लिए रिश्ता बिल्कुल भी ना बनाएं। खासकर युवा लोग ध्यान रखें कि फिजूल प्रेम संबंधों से मित्रों दूरी बनाकर रखें। मित्रों, समय बहुत शुभ चल रहा है। मित्रों, इस समय की स्थिति अनुकूल है, मीडिया मार्केटिंग पर थोड़ा ध्यान दें और ऑनलाइन गतिविधियां आपके लिए फायदेमंद रहेगी। किसी भी फोन कॉल के जरिए कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने की मित्रों पूरी संभावना है और धन के लेन देन के लिए समय उपयुक्त नहीं है। छात्र लोग अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान दें मित्रों, क्योंकि पढ़ाई ही काम आने वाली है और कुछ काम नहीं आएगा। व्यापार में कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है और नौकरी पेशा लोगों को अपने काम पर अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि काम में गलतियां होने की भी संभावना बन रही है। वही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि कुछ भी हो अगर मेहनत करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। कोई खास कार्य बन जाने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और अन्य गतिविधियों पर भी आप ध्यान दे पाएंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी सक्रियता रहेगी मित्रों। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर दूर की सोच रखेंगे और सफल भी रहेंगे। मित्रों, अचानक ही किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और किसी को लेकर यदि मन में निराशा रहेगी तो आत्ममंथन करने से समाधान मिलेगा। लेन देन संबंधित मामलों में सोच विचार करके ही निर्णय लें और ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में कटुता ना आने दें तथा आपसी मनमुटाव को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं।
व्यवसाय में समय क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयत्न करें। मार्केटिंग या फाइनेंस का काम कर रहे लोगों को अपना टारगेट पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि बिना मेहनत के अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ जाएंगे, फल मिल जाएगा, मालामाल हो जाएंगे, तो इस सोच को मित्रों अपने दिमाग से निकाल लीजिए और मेहनत के प्रति विश्वास रखिए। जो लोग यह कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तो इस वक्त किसी पर भी भरोसा ना करें। मित्रों, भरोसा करने से पहले सोच लेना कि अंजाम क्या होगा। और हाँ, व्यवसाय में इस समय हर वो चीज और कामयाबी आपके कदमों में होगी जिनके बारे में आपने सोचा है। परिवार के साथ कोई मनोरंजन संबंधित प्रोग्राम बनाना घर के वातावरण को खुशनुमा बनाएगा। खास दोस्तों के साथ मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन मित्रों शाम के वक्त गैस और बदहजमी की वजह से पेट में दर्द की शिकायत रहेगी। तो व्यवस्थित आहार रखें, खान पान रखें, और जो जातक लोन लेने की सोच रहे थे तो उनकी लोन की प्रक्रिया भी मित्रों पूरी होगी। तो आइए कुछ चमत्कारी उपाय जान लीजिए। मित्रों, सोमवार से शुरू कीजिए यह चमत्कारी उपाय, परिणाम देखकर आप भी चौंक जाएंगे। यदि आपके जीवन में धन संबंधी समस्या है, आय से अधिक व्यय है, आजीविका नहीं है, धन आगमन के मार्ग बंद है, तो सावन में इस मंत्र का प्रतिदिन 11 बार जाप कीजिए और परिणाम देखें। सोमवार से शुरू कीजिए सावन मंत्र। शंकर शंकर काशी के वासी, अरज हमारी तरस दिखाओ, गोरा संग आओ दोनों सुत संग लावो, दलिंद्र काटो रोग काटो, शत्रु नाशो भंडार भरो, न करो तुतो को राजा राम की दुहाई। मित्रों, इस मंत्र को अगर आप जप रहे हैं तो एक नियम भी है कि मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, निषेध है। वहीं मित्रों, शिव पुराण में कथन मिलता है कि गेहूं से बने पकवान से शंकर जी का भोग लगाना उत्तम माना गया है। साथ ही गेहूं के दान से कुल में वृद्धि होती है और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। घर में नकारात्मक माहौल सकारात्मक माहौल में बदल जाता है। मित्रों, इसको गौशाला में दान करना सबसे श्रेष्ठ है। तो आइए अब आप सभी को बता देते हैं कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मित्रों हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। और दैनिक राशि फल एवं रोजाना ज्ञान वर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा।